हाईटेक आज मेरे पास है सेवरॉनिक का जेब क्लैरिटी प्रीमियम गेमिंग माइक्रोफोन। जैसा कि आप देख सकते हैं तो काफ़ी लाइट वेट है, और जैसा कि आप इसके ऊपर देख सकते हैं, इसके ऊपर लिखा भी हुआ है प्रीमियम गेमिंग माइक्रोफोन। तो डब्बा काफ़ी लाइट वेट है और यहाँ पर दिया हुआ है यूएसबी इंटरफेस के साथ। तो चलिए बात करते हैं कुछ इसके हाईलाइट की। तो यहाँ पर दिया हुआ है फ्लेक्सिबल नेट, म्यूट बटन, नॉइस फिल्टर, एलईडी इंडिकेटर और प्लग एंड प्ले। सो गाइस, ये इसका राइट हैंड साइड पार्ट है जहाँ पे बार कोड दिया हुआ है, और ये इसका पीछे का पार्ट है जहाँ पे कुछ फीचर्स दिखाए गए हैं और साथ ही साथ स्पेसिफिकेशन। तो अगर मैं आपको पढ़ के बताऊँ तो यहाँ पे दिया है एडजस्टेबल नेक विथ 360 डिग्री टिल्ट डिज़ाइन और नॉइस फिल्टर फॉर क्रिस्प एंड क्लियर ऑडियो, एलईडी इंडिकेटर फॉर माइक यूएसबी इंटरफेस के साथ, यानी ये यूएसबी इंटरफेस का साथ आता। अगर स्पेसिफिकेशन की बात करें तो ये इसमें दिया है टाइप है इसका कंडेंसर, पैटर्न है पोलर, ओमी डायरेक्शनल, फ्रीक्वेंसी इसका रिस्पांस है 100 हर्ट्ज टू 10 किलो हर्ट्ज तक का, सेंसिटिविटी है इसका 26 डीबी टू 4 डीबी। और जैसा कि अगर आप बाय करना चाहते हैं तो इसका अमेज़ोन का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और ये सपोर्टेड करता है विंडो एक्सपी 7, 8 और 10 के साथ। और इसका जो नेट वेट है वो 140 ग्राम है, और इसकी जो प्राइस रेंज है जो एमआरपी लिखी हुई है वो 1499। अगर मैं डब्बे पे दिखाऊं तो वैसे तो इसकी 899 है। तो चलिए करते हैं शुरू, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह मेरी एक बात बोलूँगा। अगर आप मेरे चैनल पर नया है तो चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब और साथ साथ बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए क्लिक, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये मैंने ले लिया है, तो ये दोनों तरफ से मैंने ओपन कर दिया है। सो गाइस, मैंने ये डब्बा निकाल लिया है, और चलिए डब्बे में देखते हैं। डब्बे में कुछ नहीं दिया हुआ है, सिर्फ यही है जो ये प्रोडक्ट है। चलिए डब्बे करते हैं साइड में। और गाइस, जैसा कि ये मैंने प्रोडक्ट निकाल लिया है, तो प्रोडक्ट काफ़ी लाइट वेट है जैसे इसके ऊपर लिखा हुआ था 140 ग्राम का। सो काफ़ी प्रीमियम लुक दे रहा है, और ये है इसका यूएसबी। और अगर मैं इसको फोकस करके दिखाऊं तो आप देख सकते हैं इस पर ज़ेब्रॉनिक का जो यहाँ पे लेबल दिया हो गया है, और दिया गया कि डीसी है 5 वोल्ट 1 एम्पियर के साथ। सो इस पर ग्रिप है और इसका एक बटन भी है। सो गाइस, ये है उसका बटन जो आवाज़, अगर आप मैं इसको पास लाया हूँ तो आपको सुनाई दे। और ये है इसकी जो यहाँ पे शायद 3 होल दिए गए हैं। सो गाइस, ये इसका ज़ेब्रॉनिक का यहाँ पे भी लिखा हुआ है, और काफ़ी ठीक ठाक क्वालिटी लग रही है मेरे को, लेकिन काफ़ी लाइट वेट है। सो गाइस, ये थोड़ा फोकस चेंज कर दूँ मैं। सो काफ़ी ठीक ठाक लग रहा है मेरे को। और ये है इसका यूएसबी, और चलिए इसको मैं थोड़ा सा वैसे करके देखता हूँ। और मीटर की जो लेंथ है काफ़ी ठीक ठाक दी हुई है, और अगर मैं इसको फ्लेक्सिबल करूँ, 360 दिया तो गया है, लेकिन ये पूरा 360 डिग्री नहीं होता है, वैसे भी नहीं होता। और अगर इसका सिर्फ माइक रोटेट करूँ तो भी नहीं हो रहा है, अगर पूरा नेक बैंड के साथ करूँ तो भी नहीं हो रहा है। अब चलिए इसको मैं कनेक्ट करता हूँ अपने लैपटॉप के साथ। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने इसको कनेक्ट कर दिया है, और ये ऑन है अगर लाइट इंडिकेटर दिखा रहा है। अगर बिल्कुल मैं इसके पास से आवाज़ करूं, जैसे कि आप इस फ़ोन में आ रहा है, इसके बाद आपको सैंपल मिल जाएगा। इसको मैं ऑन कर देता हूं, और अगर मैं इसको दूर से बोलता हूं तो बिल्कुल आवाज़ नहीं हो रहा है, अगर मैं ऑफ़ कर दूंगा तो बिल्कुल आवाज़ नहीं आएगी। तो इसका म्यूट बटन काम करता है। अगर बिल्कुल पास में अगर मैं आवाज़ करूँ तो ये आवाज़ आ रही है। अगर मैं अपने लैपटॉप का माइक रिकॉर्डर जो होता है उसमें चेक कर रहा हूँ, इसके बाद आपको सैंपल मिल जाएगा। हाईटेक स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। तो ये है ज़ेब्रॉनिक का प्रीमियम गेमिंग माइक्रोफोन जिससे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और गाइस, ये अगर मैं दूर ले जाता हूँ तो बताइएगा कैसी आवाज़ आ रही है। लगभग 1 फीट जा रहा हूँ मैं। तो हाईटेक कैसी लगी ये वीडियो ज़रूर बताना है आपको। गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताना है, और वीडियो को लाइक करना है, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना है।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर। Thank you.